यहाँ का हर वर्ग लोगों ने हमको सपोर्ट दे रहा है। मैं अभी आज पहुँचा हूँ सपा में कैंपेन के लिए, लोकसभा उम्मीदवार बन के यहाँ आया हूँ और मैं अपना जो विचारधारा को मैंने आम जनता को बताया है। मैं युवक के लिए काम करूँगा, महिलाओं के लिए सुरक्षित के लिए काम करूँगा और विशेष करके गाँव में रहने वालों के लिए उनका प्रगति के लिए काम करूँगा और वुमेन एम्प्लॉयज के लिए, पहले जैसे मैंने कहा कि जो NPS को हम लोग उसको बदल देंगे और OPS में लाएंगे ताकि जो हमारा जो वुमेन एम्प्लॉयज है वो अभी जो इनसिक्योर्ड है वो सिक्योर्ड हो जाएगा। उसके लिए उनका जो मांग है उसको हम लोग पूरा करने के लिए निर्णय लिया है और अभी तो वर्तमान का सरकार ने पे कमीशन नहीं बनाया है। 7th पे कमीशन के बाद में वो लोग ने अभी तक 8th पे कमीशन लागू नहीं किया है। जब अभी से 8th पे कमीशन लागू नहीं होगा तो हमारा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो इनसिक्योर हो जाएगा। उसका सर्विस का जो फ्यूचर जो है वो कोई गारंटी नहीं होगा। इसलिए हम लोग ने वादा किया है कि जब सेंटर में इंडिया गठबंधन का सरकार आते ही वो जो 8th CPC को लागू करेंगे। सर, काफ़ी आपने MLA पोस्ट में रहा और फॉर्मर CM भी रहा, उसके बाद अपोजिशन में भी रहा, तो एक ऐसा भी है कि सर आप MLA को चूज़ करने की जगह में MP में ही क्यों? ये देखो, ये तो पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करते हैं और मैं जिस पार्टी में हूँ वो बहुत विशाल और बहुत पुराना पार्टी है, जिन पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाया है और ये सैक्रिफाइस फैमिली का पार्टी है। जो महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी देश के लिए कुर्बानी दिया है और ये नेहरू जैसे एक प्रथम प्रधानमंत्री को 9 बार आज़ादी के लिए जेल गया है। ऐसे परिवार से हम पार्टी से बिलोंग करता हूँ। तो इसका एक नियम कानून होता है कि कब किसको MP लड़ाना है, किसको MLA लड़ाना है, तो उनका हिसाब से पार्टी का डिसिप्लिन का अनुसार पर हम लोग चलते हैं। सर, जैसा कि 10 साल से BJP का कार्यक्रम चलते जा रहा है, तो आपसे ये जानना चाहिए कि BJP का कार्यक्रम जो क्या ठीक से नहीं चल रहा है? आप सब विटनेस हैं, आप सबको पता है BJP का जो 10 साल में बेहाल कर दिया गया है, आम जनता के लिए कोई सिक्योर नहीं है और हर जगह में आप सबको पता है जो कितना हेट्रेड फैल रहा है, अशांति फैल रहा है, लोगों का सिक्योरिटी नहीं है, यूथ्स रिमेन जॉबलेस, यूथ का कोई नया ही नहीं है, महिलाओं का कोई नया ही नहीं है, महिला लोग को टॉर्चर हो जाता है, उसका रेप हो जाता है, जो रेपिस्ट लोगों को उसको बाहर निकलने समय में उसको स्वागत हो जाता है, फ्री कर देते हैं, ऐसे ऐसे सरकार करते हैं और आप सब देख रहा है कोई आज़ाद नहीं है। जो आज़ाद था वो ख़त्म करने वाला है और जो सेकुलर जो डेमोक्रेसी है वो अभी खतरे में है। हमारा जो देश का जो संविधान है, जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी खतरे में है, उसको बदलने में तोला हुआ है। हर प्रकार से कानून बना रहा है कि जो कानून जो देश लोग नहीं मानता है, जो समाज के लिए ठीक नहीं है, उसका कानून जो लोग विरोध कर रहा है तो वो लोग बना के जा रहा है। इसलिए इनसिक्योर है हमारा, ट्राइबल के लिए भी, माइनॉरिटीज़ के लिए भी, रिलीजियस ग्रुप्स के लिए भी ये इनसिक्योर है। इसका उन लोग का जो राजनीति में, उन लोग का सरकार का अंदर में, इसलिए उसको बदलने के लिए ये अभी नया आवाज़ खड़ा हो रहा है, ये टीम इंडिया ब्लॉक। सर, आप पिछले बार 2019 में भी MP इलेक्शन आप करे हुए थे और BJP से आपको 50% मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा, तो इस बार आपका क्या स्थिति, आपको कैसा लग रहा है इस बार का? 2019 में मैं 2 जगह में लड़ा था, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। जब समय कम था, लोकसभा में समय नहीं दे पाया क्योंकि 13 दिन से बचा था अपना नॉमिनेशन के बाद में, तो मैं विधानसभा में हमारा सगाली का जो लोग, जो मेरा सगाली का जो रिपब्लिक लोग ने चूज़ किया कि हमको विधायक बनाना है, तो लोग ने विधायक बना दिया और लोकसभा में कैंपेन नहीं कर पाया, तो लोकसभा में इसलिए मैं कम बूथ मिला, फिर भी हम सेकेंड में आया था।
इस बार का क्या चांसेस है आपको? इस बार ये बहुत आपको बताने के लिए मन है, जब नॉमिनेशन करने के लिए जा रहा था लिकावली से लेकर के लिकावली बासर और आलो, इतना जोरदार से स्वागत हुआ, लोगों का ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला और प्यार मिला, उसका तो आप खुद भी जान सकते हैं सोशल मीडिया से और मीडिया से। उसके बाद नॉमिनेशन के बाद में मैंने वेस्ट सियांग में दौरा किया, उसके बाद सीओमे में सियांग डिस्ट्रिक्ट में, लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में, पफुमपरे डिस्ट्रिक्ट में, और आपका अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, कमले डिस्ट्रिक्ट, अभी रिसेंटली करादादी और कुरुंगकमे डिस्ट्रिक्ट में, और अभी कल कई पंजर डिस्ट्रिक्ट जो नया डिस्ट्रिक्ट में, जिस जगह में जिस डिस्ट्रिक्ट में मैंने गया है उसका आज जैसे सपा में जिस प्रकार से जो लोग स्वागत किया, इस प्रकार से स्वागत हुआ है और वेलकम किया और उन्होंने लोगों ने सपोर्ट करने के लिए खड़ा किया है। आपने जो कहा था स्पीच में जो डेवलपमेंट जो चेंजेस लेके आएंगे आप, जो बहुत ही अच्छा था, लेकिन क्या लगता है अगर आप चुन के आता है तो, लेकिन सेंटर में तो बीजेपी ही रहने वाला है, ये आपके लिए कितना इजी होगा, कितना तकलीफ होगा जो स्कीम्स है ला पाने का? सेंटर में चुनाव से पहले कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी क्लेम नहीं कर सकता है कि हम ही जीतेंगे, और कोई 300 पार बता रहे हैं, कोई 400 पार बता रहे हैं, चुनाव से पहले अब चुनाव जो है पब्लिक फैसला करते हैं, पब्लिक इस समय में राजा है, हाँ वो लीडर राजा नहीं हो सकता, और पब्लिक डिसाइड करेगा कौन सरकार बनेगा, पब्लिक सरकार बनाते हैं, सरकार बनाने वालों को बिना पूछे कोई ऐलान कर देता है कि हम जीतेंगे, हम सरकार बनाएंगे, वो गलत है। सरकार इस बार जो सरकार जो है ये जो इंडिया सरकार वो जाने वाला है और इंडिया गठबंधन का सरकार आने वाला है। सर एक मेरा सवाल है, जो हमारा जो प्रदेश में हम लोग को ये सुनने को मिल रहा है कि जो बीजेपी से बाहर है जितने भी कैंडिडेट अगर जीतेंगे भी तो वो पैकेज नहीं मिलने वाला है, अब एक पूर्व जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं इसका बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? ये तो गलत बात है, कोई भी विधायक, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी सरकार, कोई भी नेता इस प्रकार से अगर बात करते हैं दैट मीन्स वो रियल डेमोक्रेटिक लीडर नहीं है, और ऐसे रियल डेमोक्रेटिक लीडर नहीं हो सकता। हम लोग 40 साल का एक्सपीरियंस है, पीके तंगोन का सरकार हम देखा, योगन अपंग सरकार देखा, पहले मैंने कहा मुकुट मिंटी का सरकार देखा, दर्जी खांडू का सरकार देखा, जरूर गमली का सरकार देखा, मैं खुद दो बार सरकार में मुख्यमंत्री बन के देखा है। हम लोग किसी ऐसे डिवीजन एंड रूल्स पॉलिटिक्स हम कभी नहीं किया, और किसी अरुणाचल का जो हमारा ट्राइबल समाज को हम कभी भाग नहीं किया कि पार्टी का बेस में कभी नहीं किया, और हमारा गवर्नमेंट प्रोग्राम में चाहे प्रधानमंत्री आओ या यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर आओ या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आओ या मुख्यमंत्री आओ, हम लोग गवर्नमेंट पेंशन में कभी पार्टी प्लेग हम कभी यूज नहीं किया, पार्टी का भाषा कभी इस्तेमाल करने नहीं दिया, हम लोग गवर्नमेंट पेंशन कराते थे और पार्टी का पार्टी पेंशन कराते थे, पार्टी का रैली में पार्टी बात करिए, गवर्नमेंट पेंशन में पार्टी बात नहीं कर सकता। यहाँ में ये कल्चर खत्म कर दिया, जो सेकुलर डेमोक्रेटिक सिस्टम जो सेटअप चल रहा था वो सिस्टम को ये लोग ने खत्म कर दिया, और फ्यूचर में ये हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ख़राब होगा कि अगर इस प्रकार से अगर राजनीति चलेगा, अगर ये किसी को अन्याय करने का बात करेगा वो गलत बात है। ऐसे कोई हमारे संविधान में एक वर्ड भी नहीं मिलेगा जो संविधान में लिखा है, इक्वलिटी, ठीक है, इसमें इक्वलिटी है, इसमें सेकुलरिज्म है, इसमें सोशलिज्म है, इसमें हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारा ड्यूटीज है, उसका बाहर कोई नहीं बोलना चाहिए, उसका बाहर कोई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी पैसा सेंटर से आएगा या स्टेट से आएगा वो कॉमन पब्लिक के लिए आता है, वो किसी और का पार्टी का पैसा नहीं है, वो अपना से बताएगा, ये अनाउंस करेगा, उसको देगा उसको नहीं देगा, तो ये पार्टी का पैसा नहीं है, ये सरकार का पैसा है, ये सरकार टैक्स का पैसा है, इसमें कौन सा आदमी का भी पैसा है, बीजेपी का भी पैसा है, एनपीपी का भी पैसा है, एनसीपी का भी पैसा है, पीपीए का भी पैसा, सबका पैसा होता है, और सेंटर में जो पैसा है वो किसका पैसा है, हर स्टेट का पैसा है, हर कंपनी हर लोगों का दिया वाला पैसा है, ये गवर्नमेंट एक्सचेकर का पैसा है, उसको पार्टी से भाग नहीं कर सकता, वो गलत बोल रहा है, अगर वो मालूम नहीं है उसको
राजनीति सिर्फ मालूम है, लेकिन उस सरकार का बारे में, संविधान का बारे में पता नहीं, इसलिए वो बोल रहा है। उसको हम लोग बाद में सिखाएंगे, सिखाना पड़ेगा। जो सर आपके ऊपर में एक एलिगेशन लोग देते हैं कि आप जब मुख्यमंत्री रहा उस समय में आपने कुछ कम नहीं किया है, आपने कमजोर होकर आपका जो कुर्सी से भी चले गए हैं, तो आपने क्या क्या काम किया है जो जनता को, जो अभी तक नहीं जानते हैं उन लोगों का? वो गलत बात है, कोई अगर ऐसा कहा है वो राजनीति है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कहा होगा, या तो किसी साहब को सोचा होगा कि वो एक कमिटेड लीडर बन करके, एक स्थिर बन करके बैठा हुआ है एक पार्टी में, बिना बदलते हुए करके बैठा हुआ है, एक कमिटमेंट के साथ, एक आइडियोलॉजी के लिए कमिटेड के साथ में बैठा हुआ है, इसलिए लोगों को नजर लग गया होगा, अलग बात है। जब मेरा सरकार में था, जो गगन अपंग से लेकर के मेरा गवर्नमेंट तक का आप लोग देख लीजिए, जिस डिपार्टमेंट में मंत्री था, एग्रीकल्चर डिप्टी मिनिस्टर से मैं शुरू हुआ था, उससे लेकर के जब तक मैं सीएम था तब तक आप लोग किसी से भी पूछ लीजिएगा, कोई भी मीडिया से पूछिए, उस समय का मीडिया जो जर्नलिस्ट जरूर होगा उससे पूछिए, उस समय का कोई सीनियर ऑफिसर्स होगा, कोई रिटायर हो गया होगा उनको पूछिए, कोई भी अभी कोई लोग कोई सीनियर ऑफिसर जूनियर ऑफिसर अभी भी सर्विंग ऑफिसर होगा उन लोग से पूछे, पता चलेगा, वो लोग बता देगा कि कैसे कैसा हमने काम किया। जो रिटायर होके अभी जो कमिश्नर सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी होके जो रिटायर हो गया, या गवर्नर से रिटायर होके गया, उन लोग को पूछे कि नवम तुकी का समय में कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम किया। मैं बहुत काम किया सर, चाहने वाले मेरे सभी पब्लिशर्स लोगों को मैं आप सबको विनती करूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि मैं आप सबके लिए पॉलिटिक्स में 30 साल सेवा किया स्टेट में, और एक बार दिल्ली में रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज दीजिए, एक बार एमपी में एमपी बना के भेजिए, उसके बाद आपके लिए हम दिल्ली में क्या बात करता हूँ, क्या आवाज़ उठाता हूँ, आपके लिए क्या कानून बनाने के लिए मैं सलाह दे सकता हूँ, वो सब हम आपके लिए करेंगे, आपका सुरक्षित के लिए, आपका रक्षा के लिए, आपका सुविधा के लिए मैं ज़रूर काम करूँगा। जो मेरा कोई प्रोड्यूसर्स लोग ने, जो बाकी और एमपी लोग ने जो नहीं कर पाया, वो काम को मैं पूरा करने के लिए मैं कोशिश करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आम जनता का दिल जीतने के लिए, विशेषकर नौजवान यूथ लोग का दिल जीतने के लिए, जो अभी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ रहा है, उन लोग का दिल जीत के उन लोग का सुविधा के लिए हम आवाज़ उठाना, आवाज़ बनने के लिए मैं कोशिश करूँगा। इसमें बहुत सारा कैंडिडेट तो सर इस प्रकार का बात तो बोलेगा ही, लेकिन वो बोलने से नहीं होता है, काम करने से होता है। इसलिए इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि जितना मुख्यमंत्री बन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जब थर्ड टेन्योर में उन्होंने कहा था कि जब जितना भी काम कर रहा है खत्म नहीं हो सकता है और काम बढ़ते रहता है, इसलिए कहा था कि टॉक लेस वर्क मोर। मैं उस प्रिंसिपल में जाता हूँ, बात कम करता हूँ मैं काम ज़्यादा करता हूँ, और मेरा काम आपको दिखाई देगा, दूसरा का काम आप दिखाई नहीं देगा, वो अंतर पड़ेगा। तो अंतर आपको देगा। थैंक यू।